आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम अथवा प्रशिक्षण का अध्ययन करेंगे। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम हो प्रशिक्षण, जो शिक्षा है अर्थात टीचिंग, उसका कार्य पवित्रतम कार्य माना गया है। जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है वह शिक्षक की शिक्षा पर निर्भर होती है। अध्यापक शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा चाहे अध्यापक हो चाहे अध्यापिकाएं हो, शिक्षण के कौशलों यानी उसके स्किल्स को या तकनीक यानी टेक्निक से परिचित हो सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही अधिगम होता है अर्थात लर्निंग होती है, इसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन का कार्य होता है। योग्यता बढ़ाने के तरीके की बात अगर देखा जाए तो उसके तरीके अलग अलग प्रकार से बताए गए, भिन्न भिन्न बताए गए। वो चाहे प्राइवेट विद्यालयों की बात ले लें चाहे सरकारी, ये प्राइवेट रूप में तो पत्राचार से नियमित विद्यालयों में दूरस्थ शिक्षा, ओपन यूनिवर्सिटी यानी खुले विश्वविद्यालयों से सेमिनार संगोष्ठी वाद विवाद द्वारा स्व अध्ययन औपचारिक या अनौपचारिक विधि से ही समझ सकते हैं। सभी का उद्देश्य भारत के अधिगम को बढ़ावा देना होता है, क्योंकि स्वयं के कौशल में वृद्धि एवं अध्याप के गुणों का प्रचार करना या उन्हें उन्नत बनाना ही उसका मुख्य कार्य है। अब अध्यापक शिक्षा के प्रकार की बात करते हैं। अध्यापक शिक्षा के प्रकार, इसके मुख्य दो प्रकार बताए। पहला नंबर तो आपका आ गया सेवा पूर्वकालीन प्रशिक्षण और दूसरा आ गया सेवाकालीन प्रशिक्षण या सेवा पूर्वकालीन शिक्षा और सेवाकालीन शिक्षा। सेवा पूर्वकालीन और सेवाकालीन, यह दो प्रकार के यानी अध्यापक शिक्षा के ये दो प्रकार बताए। अब हम लेकर चलते हैं सेवा पूर्वकालीन शिक्षा। सेवा पूर्वकालीन शिक्षा की बात अगर हम लेके चलते हैं तो आधुनिक समाज में विभिन्न प्रकार के एवं विशिष्ट प्रकार के अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक शिक्षा, संगीत शिक्षा, कला, चित्रकला, नृत्य कला यानी तमाम प्रकार के ऐसे व्यवसायिक विषय हैं जिन्हें हम निरौपचारिक शिक्षा जिसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं या दूरस्थ शिक्षा जिसको डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं या प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन या दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस एजुकेशन यानी जो भी है ओपन स्कूल खुले विश्वविद्यालय करिस्पॉन्डेंस पत्राचार जिसको कहते हैं, इन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो नई दिल्ली है जिसको हम एनसीटीई कहते हैं द्वारा पूर्व सेवाकालीन शिक्षा यानी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में जिन अध्यापकी गुणों का समृद्ध करना आवश्यक माना गया उनमें निम्नलिखित बताए गए यानी उनके गुण क्या है। सेवाकालीन पूर्व सेवाकालीन शिक्षक के जो गुण एनसीटी में बताए हैं उन्हें निम्नलिखित प्रकार बताए। पहला नंबर तो शिक्षण उद्यमता दक्षता हेतु प्रतिबद्धता की बात करता है, नैतिकता की बात करता है और दूसरी बात तो करता है कि अंत एवं वाह मूल्यों का विकास
उसके अंदर जो गुण बताए गए अंत एवं मान मूल्यों का विकास करने की बात किया गया। तीसरी बात ज्ञान निर्माण से लेकर के कही गई। चौथी बात बताई गई कि अधिगम साधनों का चयन एवं संगठन होना आवश्यक है। अगली बात उन्होंने बताया कि छात्रों को यानी लर्निंग के लिए परामर्श देना, क्रियात्मक शोध यानी एक्शन रिसर्च करवाना और छात्र क्रियाओं का आयोजन भी होना बताया है, क्योंकि एक्शन रिसर्च के साथ साथ स्टूडेंट एक्टिविटी भी अनिवार्य होती है। अब मूल्य निर्णय की अगर बात किया जाए या मूल्य प्रतिबद्धता की बात किया जाए तो भी इसको इसके गुणों में ही समाहित है। संस्कृति शिक्षा एवं व्यक्ति के बीच समझदारी का विकास करने की बात भी इसके अंतर्गत आती है और विद्यालय एवं समुदाय के बीच सहयोग एवं संपर्क स्थापित करने की भी बात बताई गई। आधुनिकीकरण के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण बनाने की बात इसके गुणों में आई। ये जो सेवापूर्वकालीन शिक्षकों के गुण की बात बताया एनसीटी ने, उसके साथ साथ एनसीटी द्वारा दिए गए जो सामान्य उद्देश्य बताए गए यानी सेवा पूर्वकालीन शिक्षा के उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या बताया गया सेवा पूर्वकालीन शिक्षा के उद्देश्य इसके द्वारा एनसीटी के इसके निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए। पहला तो यह बताया गया कि भारतीय संविधान में लिखे राष्ट्रीय मूल्यों एवं लक्ष्यों के कार्यक्रमों को विकसित करने की क्षमता को बढ़ावा देना, और दूसरा उद्देश्य उन्होंने बताया कि भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तनों के सक्षम बनाना, और तीसरा जो उद्देश्य बताया उसने बताया चाहे अध्यापक हों चाहे अध्यापिकाएं हों मैं आवश्यक दक्षता एवं कौशल को विकसित करूं। चौथी बात बताई गई समाज में उभरती हुई चुनौतियों को लेकर के, चाहे वो पर्यावरण हो चाहे वो पारिस्थितिकी यानी जनसंख्या वृद्धि समानता के अवसर साक्षरता के प्रति जागरूकता की भी बात करता है इसके उद्देश्य में। अगली बात बताया कि तार्किक विचार एवं वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ये सेवा पूर्वकालीन शिक्षा के उद्देश्यों में उन्होंने खास करके तार्किक विचार एवं वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात बताई। सामाजिक यथार्थता, जो सामाजिक यथार्थता है उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की बात बताई। तो इस प्रकार एनसीटी द्वारा दिए गए जो सामान्य उद्देश्य सेवा पूर्वकालीन शिक्षा के थे वो हुए। अब दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं तो सेवाकालीन शिक्षा आता है, तो सेवाकालीन शिक्षा के तहत जो हम कहते हैं इन सर्विस पूर्वकालीन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन और सेवाकालीन इन सर्विस टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें बताया गया कि अध्यापक शिक्षा का सतत प्रक्रिया पूर्व सेवाकालीन शिक्षा एवं सेवाकालीन शिक्षा जिसको प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग एंड इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग के द्वारा एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा द्वारा विश्वविद्यालय या विद्यालय शिक्षा में जो कुछ भी सीखा गया यानी विद्यालय में रह करके जो भी कुछ सीखा गया उसको स्थिरता प्रदान करने एवं अभियोग्यता बढ़ाने का बेहतर तरीका बताया। रही बात अध्यापकों के उन्नतम विकास के लिए, तो जो उद्यम का विकास होता
प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सेवा पूर्वकालीन अध्यापक शिक्षा से ही प्रारंभ होता है। उसको स्थिरता प्रदान करने की बात अगर आई या उसका नवीनीकरण सेवाकालीन कार्यक्रमों द्वारा ही होता है। जो कुछ भी सेवा पूर्वकालीन स्थिरता प्रदान होती है उसमें नवीनीकरण सेवाकालीन कार्यक्रमों द्वारा ही प्रदान होता है, क्योंकि ये जो सेवाकालीन शिक्षा है या सेवाकालीन अध्यापक शिक्षण है, ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी के अनुसार इन सब विश्व टीचर ट्रेनिंग के तहत अध्यापकों की उत्तर जीवितागत दक्षता यानी सर्वाइवल जो उनके अंदर दक्षता होती है उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक समझी जाती है। ज्ञान के लगातार विस्फोट होने से शैक्षिक संरचना पाठ्यक्रम बनाने में मूल्यांकन एवं शैक्षिक तकनीकी का ज्ञान प्रतिभागिता के द्वारा ही संभव है। अध्ययन अध्यापन की परिस्थितियों के बारे में अगर समझा जाए तो उसकी जानकारी सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा द्वारा ही संभव है। रही बात सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के कार्यों की, तो इसका कार्य क्या है, इसके लिए निम्नलिखित कार्य बताए गए। कार्यों में अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख कार्य तो यह है कि नवीन ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने की प्रगति, नवीन ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने की प्रगति और नवीन शैक्षिक पद्धतियों का निर्माण। दूसरी बात यह है कि नवीन शैक्षिक पद्धतियों का निर्माण हो। तीसरी बात यह आती है कि आधुनिक परिवर्तन के लिए जागरूकता पैदा करना करने की बातें कहता है इसके कार्य, क्योंकि इससे आधुनिक परिवर्तन के लिए जागरूकता पैदा की जा सकती है। अगली बात उन्होंने बताया कि सामाजिक परिवर्तनों को देखते हुए कक्षा में होने वाली अंतः क्रियाओं में परिवर्तन लाने की योग्यता विकसित करना और उसका अगला जो कार्य बताया गया संप्रेषण का कुशलता से विकास, कम्युनिकेशन में विकास होना चाहिए और पूर्व में जो भी उद्यम दक्षताएं हैं उनकी बात कर अगर की जाए तो जो भी प्राप्त हुई हैं उन्हें आगे तक मजबूती से आगे बढ़ाने की दक्षता प्रदान होनी यानी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये सबके सेवाकालीन अध्यापक शिक्षण के कार्य। अब बात आती है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार या एनसीटी के अनुसार अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों से, सेवाकालीन अध्यापक के शिक्षा के उद्देश्य। अगर पूर्व में हमने सेवा पूर्वकालीन अध्यापक शिक्षण के उद्देश्य बताए, अब हम सेवाकालीन अध्यापक शिक्षण के उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। तो इसके जो उद्देश्य बताए गए वो निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए, उसके प्रमुख उद्देश्य किस प्रकार हैं अगर उसमें चर्चा की जाए तो उसमें सबसे पहली बात बताया गया सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों की योग्यता को बढ़ाना। सेवारत अप्रशिक्षित अध्यापकों की योग्यताओं को बढ़ाना। कुछ लोग सेवारत होने के बाद भी अप्रशिक्षित रहते हैं, इसलिए उनकी योग्यताओं को, उनकी गुणवत्ता को, उनकी क्षमता को बढ़ाने की बात करता है। दूसरी बात अध्यापकों के उद्यम तक दक्षता, जिसको हम प्रोफेशनल स्किल कहते हैं, उसको भी बढ़ाने की बात करता है, इसके प्रमुख उद्देश्यों में है। और तीसरी बात अगर किया जाए
तो नवीन ज्ञान से संपन्न कराते हुए जो उनका पूर्व ज्ञान है उसमें नवीन ज्ञान से संपन्न कराते हुए नवीन भूत ज्ञान के लिए तैयार करने की बात करता है उसके पुण्य उद्देश्य। और जो अगला उद्देश्य बताया गया उसमें पाठ्यक्रम में परिवर्तन की बात लेकर है। जैसे आपने पूर्व में पढ़ा एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2009 से अध्यापकों को परिचित कराना, एनसीएफ 2005 क्या है, एनसीएफ 2009 क्या है, उससे जब तक अध्यापक परिचित नहीं होगा, विषय वस्तु स्पष्ट नहीं कर पाएगा, नई अध्यापन विधियों में नई शिक्षण तकनीकियों को अध्यापकों से परिचित नहीं करवाया जाएगा, तब तक शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। रही बात सामान्य बालकों के साथ साथ समस्यागत कुछ छात्र होते हैं उनके लिए या समस्याग्रस्त बालकों के लिए उच्चारण डिसेबिलिटी के लिए क्षमता या अन्य प्रकार के अधिगम अक्षमताओं एवं दक्षताओं की वृद्धि करने की बात है, क्योंकि इसकी वृद्धि के लिए इन सर्विस टीचर एजुकेशन या ट्रेनिंग अनेक प्रकार से लाभकारी होते हैं। यह था आपका शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण के तहत अध्यापक शिक्षा के प्रकार, सेवा कार्यपूर्व सेवा पूर्वकालीन अध्यापक शिक्षक और सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के गुण कार्य उद्देश्य। अब इसके लिए प्रश्न क्या है, इसके लिए आपको प्रश्न यही है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटीई द्वारा पूर्व सेवाकालीन एवं सेवाकालीन शिक्षकों के उद्देश्य बताइए। फिर से सुन लीजिए, एनसीटीई द्वारा पूर्व सेवाकालीन एवं सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य बताइए। धन्यवाद।